नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। आयुष्मान योजना बनी टूटती सांसों के लिए जीवन का वरदान, झारखंड के 57 लाख परिवार जुड़े। आज से ठीक 3 वर्ष पूर्व आयुष्मान योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ख्वाब दिखाया था कि बीमार लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। बात अक्षरशः सही साबित हो रही है। झारखंड में पिछले 3 वर्षों में 9 लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है। इसमें से कई ऐसे थे जिनकी जान पर बनाई थी, किसी के हृदय का ऑपरेशन होना था तो कोई कैंसर से जूझ रहा था। ग्रामीण आवासीय योजना के क्रियान्वयन में पूर्वी सिंहभूम झारखंड में अव्वल। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने राजधानी रांची में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम राज्य में 15 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला द्वारा ग्रामीण आवासीय योजना के सफल क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त करने पर जिले के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत को मंत्री ने सम्मानित किया। इसके साथ ही मनरेगा में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए DDC को सम्मानित किया गया। सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी युवा, सीएम हेमंत सोरेन ने की शुरू योजना। गरीब आदिवासी युवाओं को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई कराने की झारखंड सरकार की योजना गुरुवार को शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, सरकार गरीब आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत 6 छात्रों का विदेश के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए चयन किया गया है। उन्हें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इन छात्रों की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला बोले, बेलगाम अधिकारी बने हैं झारखंड के विकास में बाधक। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला के नेतृत्व में समिति 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम सरायकेला जिला पहुंची। समिति स्थानीय परिषदन में जिले के पदाधिकारियों संग बैठक कर विभागवार योजना की समीक्षा की। इस दौरान सभी विभागों के प्रतिवेदनों को तत्काल सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को भेजने का निर्देश दिया। बताया गया कि बैठक के दौरान योजनाओं की कार्य प्रगति को संतोषजनक बताया गया। खेल कूद को दिया जाएगा बढ़ावा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व वाटर स्पोर्ट्स का होगा निर्माण, हफीजुल हसन ने कहे। अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सह इस जिले के प्रभारी मंत्री हफीजुल हसन ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया है। प्रभारी मंत्री गुरुवार को चतरा आए हुए थे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद वे वहाँ पहली बार आए थे। खेलकूद और युवा कार्य मंत्री DC ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस क्रम में विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला खेलकूद पदाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को बताया कि जिले में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्या आज से शुरू होगी 6ठी से 8वीं की परीक्षाएं, जानिए क्या है परेशानी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में आज यानी शुक्रवार से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। इससे पहले स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि स्कूलों के विकास कोष में 1 भी रुपया नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक के अनुरूप स्कूलों द्वारा राशि वापस कर दी गई है। ऐसे में स्कूलों की सफाई, सैनिटाइजेशन के लिए राशि नहीं है। राशि के अभाव में स्कूलों को परेशानी हो रही है। गबन के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली, अग्रिम जमानत।
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गबन के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने डीसी के पास 27 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर झारखंड की मंत्री की अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार की है। कोर्ट ने जगन्नाथ महतो को बुधवार को यह राहत प्रदान की है। निचली अदालत ने मंत्री समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जगन्नाथ महतो गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हजारीबाग में सालाना 100 करोड़ का है बजट, फिर भी 14 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं। हजारीबाग के 14 सरकारी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था, 5 सालों में पानी एवं 6 स्कूलों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक परेशानी लड़कियों को होती है। सबसे अधिक चौपारण प्रखंड में 3, बड़का गांव बरकट्टा एवं इचाक में 2-2, चलकुसा सदर कटक मदाक में कटक मांझी कडरवाद में प्रखंड में 1-1 स्कूल में शौचालय नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई ने कहा धनबाद जज को ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर मारी थी टक्कर। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कल गुरुवार को सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देखी। अब तक की जांच में कुछ नया खुलासा नहीं होने पर खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान वर्चुअल उपस्थिति सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर से जांच के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें एक जज की हत्या कर दी गई है, यह चिंता की बात है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने खंडपीठ को बताया कि ऑटो ड्राइवर द्वारा जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई है। सीबीआई जल्द साजिश करने वालों तक पहुंचेगी। झारखंड के इस योजना से खुश हुए कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सीएम हॉरेस को दी बधाई। ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए फर्स्ट बैच को भेजने पर ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने सीएम सोरेन को चिट्ठी लिखी। इसमें ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने कहा कि मेरे दिल में खुशी और दुख दोनों का भाव है। खुशी इस बात की है कि झारखंड सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा के लिए आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह का हिस्सा नहीं बन पाने पर मुझे खेद है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। आज होगा पहले चरण का मतदान, जानिए कब आएगा रिजल्ट। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। आज यानी शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान के साथ ही जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में भी जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग तैयारी की निगरानी कर रहा है। बताया गया है कि मतगणना अनुमंडल स्तर पर होगी। हालांकि कई जिलों में जिला स्तर पर एक ही जगह मतगणना की व्यवस्था की गई है। वहाँ कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन पर भी प्रशासन का ध्यान है। बता दें कि चुनाव समाप्त होने के 1 दिन बाद मतगणना कराई जाएगी। बिहार में बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, जाने नई तिथि का ऐलान कब। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2021 को किया जाना था, इसे पंचायत चुनाव के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। इस संबंध में आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आयोग की जल्द ही परीक्षा के लिए नई तिथि घोषित करेगा। बिहार में शराबबंदी कानून में कितनी छूट मिली, 7 पॉइंट्स में साफ साफ जाने क्या है नए नियम। बिहार में वर्ष 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कई सियासी दल सामाजिक संगठन शराबबंदी कानून को बेहद सख्त बताते रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार के भीतर से भी कई बार इसके विरुद्ध आवाजें उठी कि इसमें रियायत दी जाए। अब जाकर 5 साल बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस शराबबंदी कानून में थोड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक में बिहार के शराबबंदी कानून में बदलाव करते हुए मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाएगी IRCTC, अयोध्या से रामेश्वर तक होंगे दर्शन, जानिए किराया। राम भक्तों के लिए भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC की एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल राम भक्तों को मांगों को देखते हुए वे IRCTC ने 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सरकार ने विकलांगों व चलने फिरने में असमर्थ लोगों को घर पर टीका लगाने की दी मंजूरी।
केंद्र ने कहा कि विकलांगों, चलने फिरने में असमर्थ लोगों और विशेष परिस्थितियों में घर पर ही कोविड 19 टीका लगाया जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, चलने फिरने में अक्षम लोगों या जो विकलांग है और उन्हें केंद्र सरकार नहीं लाया जा सकता है, उनके लिए अपने देख रेख में घर पर टीकाकरण का प्रावधान किया जाए। मुंबई मेयर ने कहा कि मुंबई में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा। मुंबई के मेयर किशोरी पेडणेकर ने गुरुवार को कहा कि मुंबई और आसपास के इलाकों में स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा। इससे पहले एक टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीके से स्कूल दोबारा खोलने की सिफारिश की थी। गौरतलब है, बुधवार को मुंबई में कोविड 19 के 488 नए मामले सामने आए थे। एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज कराए राज्य सरकार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भोपाल गैस त्रासदी के कैंसर मरीजों का एम्स में मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इलाज की मांग कर रहे भोपाल और गैस पीड़ित महिलाओं, उद्योग संगठन और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच की याचिका पर यह आदेश दिया है। 1984 की इस त्रासदी में 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। केंद्र ने कहा, पीएम केयर्स फंड पर भारत सरकार का फंड नहीं है, आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत की संचित निधि में नहीं आती है। श्रीवास्तव ने बताया कि इस फंड को पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। कैश निकालना है तो जल्दी कर लें, क्योंकि लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। कल से बैंक 3 दिन बंद रहने वाले हैं, इसलिए बैंक का काम है तो फौरन निपटा लें, क्योंकि 25 और 26 सितंबर को चौथा शनिवार और रविवार है। इन दोनों दिन के बंद बैंक रहते हैं। इसके बाद 27 सितंबर को अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इसलिए सोमवार को भी बैंक बंद रहेंगे, यानी शुक्रवार के बाद लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने के वाले हैं। असम में बवाल, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, 9 पुलिसकर्मी घायल। असम में एक बार फिर झड़प की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो यहां के दरांग जिले के धौलपुर गौरखुटी इलाके में गुरुवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और 9 पुलिस घायल हुए हैं। झड़प उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक टीम अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए इलाके में गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।